दूसरों पर ध्यान देना कितना आसान होता है, जबकि खुद पर ध्यान देना बहुत ही मुश्किल। किसी भी नए काम की शुरुआत करना काफी आसान होता है, लेकिन उस काम को पूरा कर पाना उतना ही मुश्किल होता है। जब हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं, कोई भी काम की शुरुआत करते हैं, तो उसमें हमें सफलता ही मिले इस बात की गारंटी कभी भी 100% नहीं होती। लेकिन वो काम हो ही नहीं सकता, ऐसा भी नहीं है। जब हम किसी नई चीज की शुरुआत करते हैं, तो हम खुद से अपनी किस्मत पर भरोसा करके चलते हैं। हम ये सोचते हैं और मानते हैं कि किस्मत ने साथ दिया तो सब कुछ ठीक होगा और हमें सफलता भी मिलेगी। अक्सर किस्मत पर भरोसा करके काम करने वाले अपने काम में असफल हो जाते हैं। किसी भी चीज में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी है खुद पर भरोसा होना। ऐसा भरोसा जो बार बार असफल होने के बाद भी आपको एहसास दिलाए कि ये काम हो सकता है और मैं इसे करके ही रहूंगा। खुद पर इतना भरोसा करना कोई आसान काम थोड़े ही है। आज की इस वीडियो में या फिर आज की इस मोटिवेशनल स्टोरी में मैं आपको ये बताऊंगी कि हमें खुद पर भरोसा होना चाहिए और साथ ही उस काम पर भी जिसे हम करते हैं। खुद पर भरोसे की ये कहानी आपको सिखाएगी कि किस तरह भरोसा हमें सफलता दिला सकता है। भरोसा या फिर विश्वास जब तक नहीं होता, तब तक कोई काम आसानी से नहीं हो पाता। सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती। खुद पर अगर विश्वास ना हो तो भी हम असफल हो जाते हैं। इस स्टोरी में आप सीखेंगे कि कैसे आपको खुद पर भरोसा करना है। एक बार पूरी वीडियो ध्यान से जरूर सुने। एक बार सर्कस में एक व्यक्ति दो बड़े से डंडों के सहारे बंधी एक रस्सी से चलने का खेल दिखा रहा था। वहाँ बैठे सभी लोग उसकी काफी तारीफ कर रहे थे। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया, उस व्यक्ति ने रस्सी की ऊंचाई को भी बढ़ा दिया। अब उस व्यक्ति ने अपना आखिरी करतब दिखाया और इस बार उसने अपने बच्चे को कंधे पर बैठा लिया और उसके साथ ही रस्सी पर चलने लगा। इस करतब को देख कर हर कोई टेंशन में आ गया और सोचने लगा कि इस बार अगर इसका बैलेंस बिगड़ गया तो बच्चे का क्या होगा। हर कोई बड़ी ही शांति के साथ उसके करतब को देखने लगा। वो व्यक्ति धीरे धीरे रस्सी में आगे की तरफ बढ़ रहा था। अपने बेटे की जिंदगी को दाव पर लगाकर उस कलाकार ने वो दूरी पूरी कर ली। जैसे ही उसका करतब पूरा हुआ तो सभी लोग उछल पड़े और तालियों की आवाज पूरे सर्कस में गूंजने लगी। लोग उस कलाकार की फोटो खींचने लगे, उसके साथ सेल्फी लेने लगे। हर कोई उसकी करतब की बहुत तारीफ करने लगा। थोड़ी देर में माहौल शांत हुआ तो कलाकार माइक के सामने बोला, क्या आपको भरोसा है कि मैं ये दोबारा भी कर सकता हूँ? वहाँ बैठे सभी लोग बहुत ही जोश के साथ चिल्लाए, हाँ हाँ तुम ये फिर से कर सकते हो। उसने फिर से पूछा, क्या सच में आपको मुझ पर पूरा भरोसा है? वो लोग फिर से चिल्लाए, हाँ हमें तुम पर पूरा भरोसा है। हम तो इस बात पर शर्त भी लगा सकते हैं कि तुम ये काम ये करतब सफलतापूर्वक फिर से कर लोगे। उस व्यक्ति ने फिर कहा, पूरा पूरा भरोसा है ना? लोग फिर से चिल्लाए, हाँ हाँ पूरा पूरा भरोसा है। फिर वो कलाकार बोला, जब आप सबको मुझ पर इतना ज्यादा भरोसा है तो आप में से कोई मुझे अपना बच्चा दे दे, इस बार मैं उसे अपने कंधे पर बैठा कर ये करतब फिर से करके दिखाऊंगा। ये सुनते ही भीड़ शांत हो गई, लोगों में खामोशी फैल गई। किसी को समझ नहीं आया कि अब क्या कहा जाए। लोगों को शांत देख कलाकार ने कहा, क्या हुआ, आप सब डर गए? अभी तो आप लोगों को मुझ पर पूरा भरोसा था कि मैं ये फिर से कर सकता हूँ। असल में आपको केवल भरोसा है कि मैं कर लूंगा, मगर आपको मुझ पर पूरा भरोसा नहीं है कि मैं कर लूंगा। ऐसा कहकर वो कलाकार फिर से अपने बच्चे को कंधे पर बैठाकर उस रस्सी पर चलने लगा और एक बार फिर उसने वो करतब करके दिखा दिया। फिर वो माइक पर आया और बोला, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है, इसलिए करतब मैं अपने बच्चे के साथ कई बार कर सकता हूँ। यही कारण है कि हम लोग जिंदगी में असफल हो जाते हैं, क्योंकि हमें खुद पर भरोसा तो होता है कि हम कर लेंगे, लेकिन हमें खुद पर और इस बात पर पूरा भरोसा नहीं होता कि हम कर ही लेंगे। जब तक हमें खुद पर 100% भरोसा नहीं होगा,
तब तक हम किसी भी काम में जल्दी सफल नहीं हो सकते। खुद पर भरोसा करना बहुत जरूरी है। जिस इंसान को खुद पर भरोसा नहीं होता, वो बिना कुछ करे ही आधी जंग हार जाता है। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले उसकी पूरी जानकारी रखें, उसकी पूरी प्रैक्टिस करें। ऐसा करने से हमारा उस काम के प्रति हमारा भरोसा बढ़ता जाएगा, खुद पर भरोसा बढ़ता जाएगा। जैसे अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो पहले उस बिजनेस की पूरी जानकारी ले लीजिए। जो लोग वो बिजनेस कर रहे हैं या उस जैसा ही कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उनसे बात कीजिए। हो सके तो पहले खुद उस काम को कीजिए, इससे आप उस काम की बारीकी सीख पाएंगे। और ये सब करने के बाद जब आप खुद का काम शुरू करेंगे, तो आपको अपने आप पर पूरा विश्वास होगा कि आप फेल हो ही नहीं सकते। और ऐसा करने से आप बिना ज्यादा मुसीबतों के जल्दी से जल्दी सक्सेस हो जाएंगे। सबसे पहली काम ही यही है कि हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए, उसके बाद ही तो हम कुछ कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको इस स्टोरी से क्या सीख मिली, मुझे भी बताइएगा। तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटिए।